Ilocians. Welcome to the channel Catch Life with a Bomb. Hello guys, welcome back to the channel. देखो देखो यहाँ से देखो, ये देखो प्लांट्स ही प्लांट्स हो गए आपकी बालकनी में. देखो जरा इधर देखो, सब जगह प्लांट्स ही प्लांट्स हो गए. कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है? ड्राइंग रूम वाला ये देखो है? क्या हुआ, बड़ा है ना, डरा रहा है पापा, ये डरा रहा है इसको, इतना बड़ा है. नाश्ते में मैंने बनाया था उपमा सूजी का, और साथ में क्यांश के लिए बनाया दूध वाला दलिया, बिकॉज वो उपमा नहीं खाता, तो उसका ये नाश्ता है. आजकल मौसम इतनी जल्दी जल्दी बदलता है, कभी बिल्कुल तेज़ धूप हो जाती है, कभी बिल्कुल बारिश वाला वेदर हो जाता है, तो बहुत ही क्लाउडी वेदर हो गया है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. अब बारिश होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और इस तरह का वेदर क्यांश को भी बहुत अच्छा लगता है, तो हियर ही इज़ विद मी. हेलो क्यांश. क्यांश देखो इन सारे प्लांट्स के बीच में बैठा हुआ है, ये देखो. मुझे वैसा हो रहा है जैसे कि कोई न्यू अर्थ है, मदर अर्थ नंबर 2 है या अर्थ नंबर 1 है, क्योंकि मैंने बब्बल साथ एक वीडियो ली थी. हमारे घर में मिठाई आई थी उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई है, बाल मिठाई. जो उत्तराखंड से हैं या जिनको पता है तो उनको पता होगा, ये मिठाई बहुत ही फेमस वहाँ की मिठाई है. इस तरह से ये होती है, चॉकलेटी चॉकलेटी होती है, क्यांश को भी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट होता है ना चॉकलेट वाला, तो क्यांश को बहुत अच्छी लगती है. तो मिठाई आई थी तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, बिकॉज घर में कोई भी मीठा आए या फिर मैं बनाऊँ तो सबसे पहला जो होता है पीस वो मैं भगवान जी के लिए ही निकालती हूँ, मतलब उन्हीं को भोग लगाती हूँ. तो मैंने भगवान जी के लिए यहाँ पर एक कटोरी में डाल दिए हैं, ये इस तरह की कटोरियाँ मैंने छोटी छोटी सी ना मंदिर के लिए अलग से ली हुई हैं, तो मैं भोग लगाना होता है या कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाना है या जो भी करना है मैं इसमें ही करती हूँ. तो मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, अभी क्यांश को दूंगी, थोड़ा सा वो भी खा लेगा, उसे अच्छा लगेगा. सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए. आज मैं बना रही हूँ घिया और चने की दाल. तो घिया पड़ा था तो मैंने उसको फटाफट से पील ऑफ कर लिया है, और इसके पीसेस करके ना साथ में दाल के साथ, इसको चने की दाल के साथ बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है. और क्यांश को भी दाल बहुत अच्छी लगती है तो वो भी बहुत आराम से खा लेता है. ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, बस थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में, अदरवाइज ही इज़ ओके. मेडिसिन वगैरह उसे हमने प्रॉपर तरीके से दिया था तो ही इज़ बेटर नाउ. सो मैं अभी लंच के लिए उसके लिए दाल बना रही हूँ. आज मैंने उसकी छुट्टी कराई थी स्कूल की, बिकॉज थोड़ा सा उसे रेस्ट की भी ज़रूरत है, दैट्स व्हाई. चने की दाल को मैंने वार्म वाटर में पहले ही भिगा के रखा था, सो दैट ये जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में. अदरवाइज़ क्या होता है, घिया जल्दी पकता है, मतलब लौकी, और दाल जो होती है ये भी थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है. तो मैंने पहले ही दाल को हल्के गुनगुने पानी में भिगा के रख दिया था कुछ देर के लिए, और अभी साथ में मैं इसको डाल के पका रही हूँ. तो मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, थोड़ा नमक डाल दिया, हल्की सी काली मिर्च डाली है. तो नॉर्मल मसाले डाल के मैं बना रही हूँ, क्योंकि क्यांश को भी खाना है, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है. जब तक दाल रख दी है तब तक साथ में मैं रोटी वगैरह बना रही हूँ, और रोटी में बनाती हूँ मिक्स आटे से, तो बस वही मैंने साथ साथ में बना ली थी. आटा गूंद के पहले ही रखा हुआ था, बिकॉज क्यांश को मेरे को टाइमली खाना देना है ना, उसको मेडिसिन देनी है उसके बाद, इसीलिए मैंने सब कुछ साथ साथ में ही रखा हुआ था. और सब फटाफट बस खाना बन जाएगा, फिर क्यांश को लंच देती हूँ, और मुझे छोटा मोटा अपना कुछ काम करना है तो वो मैं फिर क्यांश को लंच कराने के बाद करूँगी. देखो जब सारे काम खुद करने होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. टाइम को मैनेज करके अच्छे तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही दिन में या एक ही टाइम में. तो मैं तो इसी हिसाब से अपने काम करती हूँ, मल्टीफंक्शनल काम करती हूँ, या फिर इस तरह से काम करती हूँ सो दैट मेरा टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ अपने दिन में, जो भी मतलब मेरे प्लान्ड आउट रहते हैं या करने वाले होते हैं. तो मैं सारी चीज़ें साथ के साथ करती रहती हूँ. तो यहाँ मैंने खाना बना दिया था, अब क्यांश को सर्व करूंगी, और जो बचा हुआ आटा है वो मैंने इस तरह से स्टील की डब्बी में डाल के रख दिया है, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में.
तो मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया आज का लंच, घिया चने की दाल विद अनियंस मैंने अपने लिए काटे हैं और ये रोटी है। क्यांश इज बीइंग सो नॉटी टुडे, थोड़ा सा वीक हो गया है बीमार होने की वजह से, बट ही इज प्रीटी वेल नाउ। वहाँ बाइक्स चल रही होती है, सब चल रहे होते, गाड़ियां भी आ रही होती हैं, है? आ रही होती है ना। यहाँ पे जो वीकली मार्केट लगती है, हम सब्जी फ्रूट्स वगैरह वहीं से लेकर आते हैं, तो बस डिनर करने के बाद हम निकल गए थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। चलो चलो देख रहे हो उसको, मच्छर है। हाँ मच्छर आ गया बाहर से, क्यों छोड़ दे रहे हो बार बार, उठा लो ना, हालत खराब हो गई तो हल्के हैं। पापा इसको छोड़ दो, बैठाओ। चलो 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 खुल गया, उठाओ चलो आ जाओ। जहाँ हम सब्जी मार्केट में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ और सामान भी मिल जाता है, तो मैं छोटा मोटा और सामान भी लेकर आई और कैश ने ये टॉय गन ले ली। ऑल दो उसके पास काफ़ी सारी नर्फ और बाकी सारी गन्स हैं, बट आज उसे ये वाली गन पसंद आई तो उसने ये वाली ले ली। वैसे तो उसे नर्फ गन की बुलेट्स चाहिए थी, बट वो तो यहाँ से मिलती नहीं है, तो इसलिए उसने अभी ये वाली गन ले ली। एंड ही इज़ सो हैप्पी टू गेट दिस। पुश करना पड़े, ये रही मस्त है, तो फिर यही ले ले आ करो, वो दो दो सारी मस्त है, सारी अच्छी है, सारी अच्छी हैं। चलो ठीक है, आपको सही लगे तो रख लो, क्या बोलूं। मार्केट से आने के बाद क्याश ने अपनी गन से थोड़ी देर के लिए प्ले किया था, उसके बाद वो सो गया था, उसे नींद आ रही थी। लगाओ ये वाला, बड़ा लगा दो इस वाले में, इसमें हाँ ये बड़ा वाला। हाँ पॉलिथीन फाड़, हाथ से फट जाते हैं पॉलिथीन, जोर से खींचो, हाथ से फट जाते हैं पॉलिथीन। कैंची भी दे देती हूँ, जोर से पुल करोगे ना, हाँ आराम से, नीचे ना जड़े हैं इसकी, वो साथ ही ले लेना। हाँ साइड में करते जाओ पूरा, रुको थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा। जब हम मार्केट गए थे तो मुझे प्लास्टिक शॉप से कुछ पॉट्स भी मिल गए थे, तो मैं लेकर आई थी। ये मैंने दो नए पॉट्स खरीदे हैं, प्लास्टिक के ही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन में थे। इसके और नहीं मिले मुझे तो मैं ज़्यादा भी खरीद लेती, ये 8 inches में मुझे मिले, मतलब जो मेरे पास साइज़ है वो बड़े पॉट्स हैं, ये थोड़े छोटे वाले हैं, बट बहुत ही क्यूट लग रहे थे दिखने में। और मुझे पॉट्स अभी जितने मैं लेकर आई थी, ऑल द मैं 21 pots लेकर आई थी, वो भी कम पड़ गए, तो मुझे और पॉट्स चाहिए थे। तो फिलहाल मुझे ये दो पॉट्स मिल गए मार्केट में, तो मैं ले आई इनको, कहीं ना कहीं छोटे प्लांट में यूज़ हो जाएंगे। इतने सारे प्लांट्स लिए, 30 plants अब लिए, तो उनको लगाना भी है, तो उनके लिए पॉट्स तो चाहिए, तो फिलहाल ये ले लिए। अब देखते हैं आज यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। तो मेरे नए सेरेमिक के पॉट्स हैं, इस तरह के मैं 3 pots लेकर आई हूँ, अलग अलग कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, छोटे पॉट्स हैं, इनमें छोटे वाले प्लांट्स लगाएंगे जो इंडोर के लिए हैं, तो इनको भी यूज करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट्स हैं ये भी। इतने सारे प्लांट्स हैं, उनको लगाने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए, और हमने रात का ही टाइम चूज़ किया बिकॉज माय हस्बैंड डिसाइडेड कि मैं साथ में काम करवाऊंगा, बिकॉज माय बैक इज़ एकिंग अ लॉट, मैं ये अकेले बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, ऑल तो शायद मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना है, तो ही डिसाइडेड कि वो लगा देंगे साथ में और मैं हेल्प कर दूंगी थोड़ी। तो हम यहाँ बैठ गए थे, कैंच तो गया था, तो हमने सोचा फटाफट से सारा पॉट्स वाला काम करेंगे, फटाफट तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगने वाला है, इतने सारे पौधे इनको लगाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम जाएगा, अब देखते हैं कितना होगा, बिकॉज कुछ प्लांट्स तो हमने कल भी लगा दिए थे एक दिन पहले ही, और बाकी सब रखे हुए थे, और इनको भी लगाना ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादा देर तक इन बैग्स में भी सही नहीं रहते, नर्सरी में रह जाते हैं बिकॉज वो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं इसमें, तो हमें पॉट्स में इनको शिफ्ट करना है। तो अभी हम वही सब काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बट हम अभी सब लगा रहे हैं सब। तो एक साइड पे सारी मिट्टी वगैरह बना ली थी और धीरे धीरे करके हम पॉट्स वगैरह लगा रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल वाले प्लांट्स हैं, और मैंने चाहती इनमें से कोई भी प्लांट खराब हो, तो इनको टाइमली हमें सेट करना है, मतलब हमें पॉट्स में इनको
शिफ्टिंग करनी है। तो ये मेरे छोटे छोटे पहले पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं जो मैंने इंडोर के लिए लिए थे, आपसे शेयर भी किए थे सारे प्लांट्स। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर लाना। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स लेकर आई हूँ मैं इस बार, बहुत ही सुंदर है, इंडोर वाले भी आउटडोर वाले भी, और इस सीजन में लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। सो यस, हियर वी आर एंड वी आर जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग ऑन इट। प्लांट्स के पॉट्स के साथ मैं उनकी प्लेट्स जो यू होती हैं जो मैं नीचे यूज़ करती हूँ वो भी लेकर आई थी, अलग अलग साइज़ की, छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ की काफ़ी सारी प्लेट्स लेकर आई थी। प्लेट्स भी हर बार ही लेकर आती हूँ पर कम पड़ जाती हैं, एक्चुअली प्लांट्स इतने सारे ले आती हूँ तो पॉट्स फिर कम पड़ जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ज़्यादा आते हैं, एंड अगैन ये सीरीज चलती रहती है। तो फाइनली अभी जितने हमारे पास प्लांट्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पास जितने पॉट्स अवेलेबल हैं उन सब में एडजस्ट हो जाएँ, जो रह जाएंगे तो उनको देखेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट्स नर्सरी वाले पॉट्स में भी आए हैं जो ब्लैक कलर के पॉट्स होते हैं, तो छोटे छोटे मैं उसमें भी लगा सकती हूँ इनकेस अगर कोई रह जाएगा तो। जैसे ये वाला प्लांट है ये पॉट में ही आया है, ये बैग में नहीं था, तो इस पॉट को यूज़ कर सकते हैं। ये पॉट बड़े साइज़ में है थोड़ा, और टूटा हुआ भी नहीं है, सही है बिल्कुल, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस वाले पॉट को भी हम यूज़ कर लेंगे अभी के लिए, तो बाद में जब देखेंगे जब टाइम मिलेगा या जो कुछ भी होगा तो फिर इनको दूसरे वाले पॉट्स में भी शिफ्ट कर देंगे। घर में लगे हुए प्लांट्स जितने ब्यूटीफुल लगते हैं उतनी ही उनके लिए मेहनत भी होती है, और हम तो इतने सारे प्लांट्स एक साथ लेकर आ गए अब तो इनके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है। हाँ बट लेकर आए तो ऑब्वियसली करनी है, इनको लगाना है। सारे पौधे वगैरह लगाने के बाद हमने पूरा एरिया क्लीन कर दिया था, बिकॉज मेड आएगी सुबह तो वो इतना सब तो नहीं करेगी, तो हमने सारा क्लीन कर दिया और यहाँ सारे पॉट्स अरेंज करके रख दिए हैं, दोनों बैल्कनीज में लगा के रख दिए हैं। सुबह क्या छूटेगा तो उसके लिए भी सरप्राइज होगा, बिकॉज ही वॉन्टेड कि उसकी बैल्कनी में बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। और अभी देखो बज गए सुबह के 4:30, इतना टाइम हो गया हमें सब करते करते, अब देखते हैं अभी सोना भी है सुबह, फिर क्या आज का स्कूल भी है नेक्स्ट डे, तो वो सब भी है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एक्चुअली, बाय बाय।